तो आज मिलेंगे एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट जो कि है हमारा मॉर्फी रिचर्ड्स का 9 फिन का 2400 वॉट का हीटर। दोस्तों ऑयल हीटर है हमारा और ऑयल हीटर बाकी हीटरों के मुकाबले थोड़े से बेटर होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये मैंने मंगाया है अमेजोन से, ये मुझे पड़ा है 9200 रुपीज का और दो दिन बाद जैसे ही मेरे घर पे रिसीव हुआ उसके बाद ही मैंने देखा कि ये जो है इसका प्राइस जो है कम हो गया है। आई थिंक 250 से 300 के बीच में प्राइस इसका कम हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको खरीदना हो तो आप, मैं वीडियो नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके अमेजोन से खरीद सकते हैं, थोड़ा सा हमें सपोर्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हमारे मॉर्फी रिचर्ड्स के हीटर की। इसे कहते हैं ऑयल हीटर, ऑयल रेडिएटर हीटर कहते हैं और इसके अलग अलग वेरिएशन आते हैं। ये हमारा 2400 वॉट का, एक 2000 वॉट का आता है, एक आता है हमारा 2500 वॉट का, एक आता है हमारा 2900 वॉट का और इसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। जो हमारे 2000 वॉट के अंदर है उसके अंदर हमारा फैन नहीं होता। तो फैन का फायदा क्या होता है कि आपकी जो हवा जो है रूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट काफी ज्यादा आसानी से होती है, आपका रूम थोड़ा जल्दी जो है वो गर्म होता है। अगर आपका रूम जो है छोटा है तो काफी जल्दी गर्म हो जाएगा, तो उसका ये फायदा होता है। और थोड़ी देर में आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ताकि आपकी जो है बिजली भी थोड़ी सी बचे। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगी उतनी आपकी बिजली जो है ज्यादा खाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 9 फिन का है और जो हमारे ऊपर के वेरिएशंस हैं, जो हमारा 2900 वॉट का है वो 13 फिन का आता है। मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आपको कौन सा मॉडल आपको पसंद आए, आपके रूम के साइज के हिसाब से कितना बड़ा आपका रूम है उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बड़ी अच्छी खास बात यह है कि इसके साथ में मिलती है हमें 2 साल की वारंटी। मोस्टली जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ हमें मिलती है 1 साल की वारंटी। आई थिंक शायद बजाज के ऑयल हीटर के साथ भी 2 साल की मिलती है, हैवल्स के साथ हमें 1 साल की मिलती है। तो अच्छी बात हो जाती है कि वारंटी जितनी ज्यादा हो, क्योंकि कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि मैंने जो पढ़ा है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देख के खोल के देखते हैं, इसको चला के देखते हैं कि कैसा लगता है। दोस्तों पैकिंग काफी अच्छी है और आइए इसको खोलते हैं। कभी कभी प्रोडक्ट जो है ऐसे गत्ते के पैकेट के अंदर नहीं आता। तो आशा करता हूं कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये यूज ना हो, क्योंकि कई बार आज बार हुआ है कि मेरे को जो अमेजोन के प्रोडक्ट मिले हैं वो यूज किए हुए थे या किसी ने रिटर्न करे होंगे उसके हिसाब से। तो ये रहा हमारा हीटर का बॉक्स, आइए इसको भी खोलते हैं। तो फाइनली हम अपने हीटर के पास पहुंच गए हैं, आइए इसको निकाल के देखते हैं। तो ये है हमारा हीटर और आइए साथ में देखते हैं इसके हमें क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। उसके साथ हमें मिलते हैं इसके व्हील्स और इसका है वारंटी कार्ड। तो व्हील जो है आपको लगाने पड़ेंगे, वरना आप जो है एक जगह अच्छे से हिला नहीं पाएंगे और जाके आपकी जगह है फ्लोर जो है उसको हिलाने से स्क्रैच हो सकते हैं। आइए इसके व्हील लगा के शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हील लगाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये जो इसका यू है इसमें से आपको जो इसके साथ नट मिले हैं वो निकालने हैं और सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट में डालना है आपको। ऐसे आप डाल देंगे और फिर हमें जो है यहाँ पे जो है अपने होल से इसको इसके अंदर डालना है। तो देखिए सेट आपको हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा, हिलेगा नहीं। और फिर आपको बस ये कस देने हैं, आइए इसको कसते हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई ज्यादा नॉलेज होने की जरूरत है नहीं। अच्छे से इसको आप कस दें ताकि जो है बार बार आपको ढीला ना हो, आपको खोलना ना पड़े। आइए यहां वाला लगाते हैं, सबसे लास्ट वाला।
ये भी आपको ऐसे करना है, नीचे से आपको डालना है और फिट कर देने हैं। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे हमेशा कट लगा हुआ है, तो कट लगने का मतलब यहाँ पे देखिए नट है तो उसी से आपके जो है वो मैच होंगे, वरना आपका जो अच्छे से फिट नहीं होगा। ये दोनों आप देखिएगा बराबरी से अच्छी से नट जो है इनके आप टाइट करिए, फिर आपका जो है व्हील आसानी से लग जाएंगे। देखिए हमारा व्हील जो है लग चुका है, आइए इसको फ्लोर पे रखते हैं। दोस्तों आइए मैं अपने हीटर का क्लोजअप दिखाता हूं, और इसको जो है मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया है, और आइए मैं बताता हूं फिन क्या होते हैं। तो ये जो पतली सी आपको स्ट्रिप दिख रही हैं इसको फिन कहते हैं, यही गर्म होती हैं पूरी जगह से। तो ये हमारी 9 फिन का है, जो सबसे फर्स्ट और लास्ट को भी आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके अंदर 9 फिन है। इसके अंदर 11 फिन वाला भी आता है, आई थिंक 5 या 6 फिन वाला भी आता है, पर वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था और वो ज़्यादा गर्म करते भी नहीं है अगर ज़्यादा बड़ा कमरा हो। तो ये आपका ठीक रहेगा मीडियम कमरे के हिसाब से। और यहाँ देखेंगे हमने टायर जो है इंस्टॉल कर लिए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से घूम रहा है, टायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी वॉटेज लिखी हुई है, यहाँ इसको उठाने के लिए अगर आपको हैंडल चाहिए, आपको उठाना पड़ने काफ़ी दिक्कत ना हो तो यहाँ पे हैंडल लगाया आपको ग्रिप बनाने के लिए। यही हैंडल हमारा आगे की तरफ भी है, अभी देखेंगे तो, और आगे की तरफ हमारा इसका जो मेन सेटअप है। यहाँ एक चीज़ है, यहाँ पे पावर सॉकेट की तरह बना रखे हैं, पर मैंने इनको चेक करा, ये कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी को पता हो कि ये किस काम आते हैं या इसको कुछ कर सकते हैं तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए मेन बात करते हैं, इसका यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, ये हमारा थर्मोस्टेट है, और ये हमारी इसकी पावर है कि कितनी आपको हीट आपको बढ़ानी है। तो आइए इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो देखेंगे ऑन ऑफ का बटन हमारा काम कर रहा है, और ऑन करती है आपको थोड़ी सी आवाज़ तो नहीं पड़ेगी। तो इस तरफ से जो है यहाँ से हवा आ रही है हल्की सी गर्म। तो मैंने कमेंट्स के अंदर पढ़ा था कि लोगों ने कहा है कि ये बिल्कुल साउंड नहीं करता, पर थोड़ी सी आवाज़ तो आपको आएगी ही आएगी, क्योंकि इसके फ़ैन को हम ऑफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ैन का ऑफ़ करने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो आपको थोड़ी सी जो है आवाज़ आपको थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, पर मे भी शायद आपको थोड़े टाइम बाद इसकी आदत हो जाए। तो इसके अंदर से काफ़ी गर्म हवा निकल रही है, जैसे आपको हीट आपको उसके आप एडजस्ट करनी हो आप कर सकते हैं, जैसे आपको फुल अगर गर्म करना हो तो। ऐसे मैं इसको 1 पे कर देता हूँ, तो अब देखूँगा एकदम से जो है हमारी ये फिन जो है गर्म होने की कोशिश कर रही है। ज़्यादा देर में पकड़ूंगा तो थोड़ी देर में अपना हमारा रूम जो है गरम होना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं कितनी देर में हमारा रूम होता है। दोस्तों हमारा हीटर जो है कम से कम 10 से 15 मिनट तक मैंने यूज अभी कर लिया है, और रूम जो है काफी गरम मुझे महसूस हो रहा है। मैंने कैप पहन रखी है, मुझे इसको उतारने का मन कर रहा है क्योंकि पसीने मुझे माथे पे आ गए हैं, और ये जो हमारी फिन्स हैं काफी गर्म होने लग गई हैं। तो आप ऐसी जगह रखिएगा स्पेशली रूम के कोने में जहाँ पे आपका जो है बच्चों का और स्पेशली आपका हाथ ना लग पाए, क्योंकि गर्म हो जाएगी तो आपके हाथ को जल सकता है। दोस्तों अभी मैंने एकदम मीडियम हीट पे कर रखा है, और रूम जो है मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक मेरा रूम होगा 12x10 फुट के आसपास। तो आप इस हीटर को जहाँ तक मैंने पढ़ा है 18x12 फुट की रेंज में आपका रूम हो तो काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम के साइज़ का रूम हो आपका, तो भी आपका रूम जो अच्छे से गर्म हो सकता है। आपके ड्राइंग रूम में भी आप इसको रख सकते हैं। अगर आपका बहुत ही बड़ा हो तो आपको शायद काफ़ी बड़ा लेना पड़ेगा जो हमारे 13 या 9 फिन वाला है, पर नॉर्मल मीडियम से लेके बड़े रूम तक आपका ये वाला हीटर जो अच्छे से काम आपका कर जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, ये था हमारा मॉर्फी रिचर्ड्स का 9 फिन का 2400 वॉट का ऑयल हीटर, और काफी जल्दी आपका रूम जो है गर्म हो गया है। इसके अंदर आपका गर्म हवा नहीं फेंकता तो आपको जो है मॉइस्चर की और ह्यूमिडिटी की जो है प्रॉब्लम वो भी नहीं होगी, और इसके अंदर जो है वो रॉड्स भी नहीं होती तो काफी सेफ होता है उनके मुताबिक, क्योंकि जो रॉड वाले होते हैं तो उनके अंदर आपका कुछ कपड़ा गलती से गिर जाए तो वो जल सकता है और आपका कुछ डैमेज भी हो सकता है। तो उन चीजों के हिसाब से काफी सेफ होते हैं और हेल्दी भी होते हैं बाकी हीटरों के मुताबिक। दोस्तों अगर आपको खरीदना हो तो ये वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।